हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसेव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप टेन इंटरनल कम्बर्शन इंजन यानी कि आईसी इंजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा जो कि आपके आने वाले किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होने वाला है क्योंकि आईसी इंजन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को हम लेंगे तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट वन बाई टू वन टू या फोर तो बेसिकली बोल रहा है कि जो आपका फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो आपका क्रैंक शाफ्ट होता है ना क्रैंक शाफ्ट का जो रिवोल्यूशन होता है रिवोल्यूशन जैसे घूमता है क्रैंकशाफ्ट जो तो कितने बार घूमने के बाद में फोर स्ट्रोक साइकिल में इंजन साइकिल कंप्लीट होता है इंजन साइकिल में कितनी प्रोसेस होती है तो टोटल चार प्रोसेस होती है कौन कौन सी तो सक्शन कंप्रेशन एक्सपांशन और एग्जास्ट तो ये चार प्रोसेस जो है आपका फोर स्ट्रोक इंजन में टोटल टू रिवोल्यूशन में होती है अगर यही यही आपका टू स्ट्रोक साइकिल रहता है तो यहाँ पर यह हाफ रिवोल्यूशन होता है ए करेक्ट आंसर होगा अगर आपका टू स्ट्रोक है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि इन अ डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाई ए स्पार्क इंजेक्टेड फ्यूल हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाईड फॉर कंबशन या इंजक इग्निटर इं, इं, इं तो बेसिकली आपका डीजल इंजन में जो फ्यूल इग्नाइट होता है उसका रीज़न क्या होता है तो जब आपका जो नॉर्मल हीट हीट होता है एयर होता है उसको जब आप कंप्रेस कर देते हैं तो जो हीट जनरेट होता है तो वो कम्बशन करता है तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया वहीं पर डीजल इंजन की जगह अगर आपको पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन होगा तो वहाँ पर आपका स्पार्क प्लग का यूज़ होता है तो स्पार्क होगा अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है कि स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स एयर इज़ यूज फॉर कम्बशन सेंट अंडर प्रेशर फोर्स एयर फॉर कूलिंग सिलेंडर बर्ंड एयर कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन या एयर यूज फॉर फोर्सिंग बर्ंड गैसेज आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड तो एस्केजिंग में क्या होता है तो बेसिकली ड्यूरिंग स्केवेंजिंग टाइम में जब आपका एक्सपांशन प्रोसेस होता है उसके बाद में क्या होता है तो सिलेंडर के अंदर में बहुत सारे गैसेज जनरेट हो जाती है उस गैसेज को आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट गैसेज को बाहर निकालने का काम होता है तो उस प्रोसेस को ही हम स्केवेंजिंग बोलते हैं तो गैसेस को बाहर निकालना स्कैंजिंग कहलाता है क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विद द विद एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर दैन द डेंसिटिटी ऑफ अ सराउंडिंग एटमोस्फेयर या प्रोवाइडिंग फोर्स कूलिंग एयर या इंजक्टिंग एक्सेस फ्यूल फॉर राइजिंग मोर लोड या सप्लाइंग कंप्रेस एयर टू रिमूव कम्बर्शन प्रोडक्ट फुल्ली तो बेसिकली आपका जो सुपर चार्जिंग होता है तो सुपर चार्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका एयर होता है एयर सप्लाई करते हैं किसके लिए तो डेंसिटी ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ अ सराउंडिंग एटमोसफेयर तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव है कि डज द सप्लाई ऑफ एस्के एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ एटमोसफियर मीन्स इंजन इज सुपर चार्ज तो यहाँ पे जो एयर हम यूज़ करते हैं तो कौन सा एयर यूज़ करते हैं एस्के वाला एयर यूज़ करते हैं तो ये नहीं है मतलब नो no, गलत गलत है तो ये स्टेटमेंट गलत है क्यों गलत है क्योंकि जो हम एयर यूज़ करते हैं आपका सुपर चार्जिंग के लिए वो आपका फ्रेश एयर यूज़ करते हैं फ्रेश एयर और एस्केबेंजिंग एयर में डिफरेंस यही है कि एस्के एयर में आपका डस्ट पार्टिकल्स होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वी वी आई पी क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफिशियंसी इज कॉल्ड नेट इफिशियंसी साइकिल इफिशियंसी रिलेटिव इफिशियंसी या ओवरऑल इफिशियंसी तो बेसिकली जो ये जो रेशियो होता है इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी और एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफिशियंसी का वो होता है रिलेटिव इफिशियंसी तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं कि कंप्रेशन रेशियो ऑफ आई सी इंजन इज एट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक या वॉल्यूम डिसप्लेस बाय पिस्टन पर स्ट्रोक एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इन सिलेंडर या रेशियो ऑफ प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन एंड बिफोर कंप्रेशन या स्विफ्ट वॉल्यूम टू सिलेंडर वॉल्यूम तो बेसिकली आपका जो कंप्रेशन रेशियो होता है उसको आप एक फॉर्मूले के थ्रू याद कर सकते हैं फार्मूला क्या है तो कंप्रेशन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है कंप्रेशन रेशियो का वो होता है वी एस प्लस वी सी बटे वी सी एस मतलब क्या होता है स्वेफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटे ए क्लियरेंस वॉल्यूम इन दोनों को वी एस प्लस वी सी को हम क्या बोलते हैं तो इनको हम टोटल वॉल्यूम भी बोलते हैं तो टोटल वॉल्यूम बटे ए क्लियरेंस वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो तो इसके हिसाब से आपका कौन सा फॉर्मूला बढ़ रहा है तो ए यानी कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर एट में चलते हैं कि द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल कम्पेयर टू डीजल साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो इज सेम लेस मोर या मोर और लेस डिपेंड ऑन पावर रेटिंग तो बेसिकली कि आपका जो एयर स्टैंडर्ड इफिशंसी होता है ऑटो साइकिल का ठीक है तो ऑटो साइकिल का जो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी होता है वो डीजल साइकिल से कम होता है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन में चलते हैं द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ गैसेस फ्यूल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी किलो कैलोरी पर केजी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब तो गैसेस फ्यूल जो होता है देखिए फ्यूल्स किस टाइप का होता है एक आता सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है तो इन तीन टाइप का होता है तो इन तीनों में आपको किसका बोल रहा है तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है आपको गैस का तो गैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब से तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टेन है कि इफ़ द इंटेक एयर टेम्परेचर ऑफ आई सी इंजन इंक्रीज इट इफिशेंसी विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम या अनप्रडिक्टेबल तो बेसिकली बोल रहा है कि जो आपका इंजन सिलेंडर होता है मान लीजिए सिलेंडर के अंदर में जो आपका सक्शन स्ट्रोक जब प्रोसेस होता है तो सक्शन स्ट्रोक में अगर आपके सिलेंडर के अंदर में जो इन, जो फ्यूल आता है एयर आता है अगर वो एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देंगे तो क्या होगा तो जब एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर प्री इग्निशन होने के चांसेज हो जाएंगे प्री इग्निशन या नॉकिंग होने की पॉसिबिलिटी की वजह से इंजन की इफिशेंसी जो है वो कम हो जाएगी वहीं सेम अगर एयर का टेम्परेचर कम कर देंगे तो उसकी इफिशंसी बढ़ जाएगी वो दोनों एक दूसरे का उल्टा रहता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑल हीट इंजन यूटिलाइज लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल या वैल्यू ऑफ फ्यूल राइट आंसर क्या होगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब